नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हैं। मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो इस प्रश्न में पहले तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक आयताकार मैदान बनाएंगे। तो हमने एक आयत को बना लिया, ठीक है, हमने एक आयताकार मैदान बना लिया। उसने कहा कि मैदान की लंबाई है 25 मीटर, तो हमने लंबाई बना ली 25 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर, ठीक है। अब उसने कहा कि इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हैं, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, लेकिन कहाँ? बीचों बीच, ये हमने यहां बना लिया और एक यहां बना लिया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये 2 मीटर है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये 2 मीटर है। और यहां पर और यहां पर ये चारों कितनी है? ये 2 मीटर ही है, ठीक है। तो अब क्या देखा हमने कि उसने जो कहा था कि लंबाई और चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हैं, तो हमने दोनों सड़कों को बना लिया। अब उसने आगे कहा है कि मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है। अब शेष भाग कहाँ बचा? शेष भाग यहाँ से ये बचा, एक यहाँ पर बचा, दूसरा यहाँ पर बचा, तीसरा यहाँ पर बचा और चौथा यहाँ पर बचा, ठीक है। तो जो घास उगाई गई है वो 4 क्षेत्र बचे। उसने कहा कि घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। हमें बताना है कि जितने क्षेत्रफल में घास उगाई गई है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लंबाई गुणा चौड़ाई करके मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसने कहा कि जो 2 सड़कें बनी है इसका क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे और कुल मैदान के क्षेत्रफल में से सड़क का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा? घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए हम लगाते हैं, ठीक है। पहले तो हम निकालते हैं मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 25 और चौड़ाई है 15 है। तो 15 × 75, 15 × 2 = 30 और 7 = 37, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल जब हमने निकाला तो क्या निकला? 375 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें जब सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो एक सड़क बनी है लंबाई के समानांतर और एक सड़क बनी है चौड़ाई के समानांतर। तो जो लंबाई के समानांतर बनी है उसकी लंबाई तो होगी 25 और सड़क की चौड़ाई है 2 मीटर प्लस। अब जो चौड़ाई के समानांतर बनी है तो उसकी लंबाई है 15 और चौड़ाई तो हर सड़क की है 2। लेकिन जब हमने देखा कि यह जो बीच का पोर्शन है दोनों सड़कों में शामिल है, ठीक है, लंबाई के समानांतर जो सड़क है उसमें भी शामिल है और जो चौड़ाई के समानांतर है उसमें भी यह पोर्शन शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को एक बार माइनस करेंगे जिसकी लंबाई है 2 × 2, यानी लंबाई भी 2 है और चौड़ाई भी 2 है। तो सड़क के क्षेत्रफल में यह बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य है कि जो है बीच का पार्ट है वह क्या है, 2 बार हमने काउंट कर लिया है, एक बार हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इसको एक बार यहां से माइनस कर दिया। अब हम गुणा कर देते हैं, 25 का 2 में होगा तो आएगा 50,
15 का 2 में होगा तो आएगा 30, और 2 का 2 में होगा तो आएगा 4। 50 और 30 मिला के कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 80, और 80 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यह बचेगा 76 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास मैदान का क्षेत्रफल हो गया और सड़क का क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकाल देंगे घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल, लगे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल, उसमें से हम माइनस कर देंगे सड़क का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल निकल के आया 375 मीटर स्क्वायर और सड़क का क्षेत्रफल निकल के आया 76 मीटर स्क्वायर। 375 में से 76 जाएंगे तो 299 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, तो घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया 299 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे बड़ी समझने वाली बात कहां पर थी, तो सबसे बड़ी बात थी यहां पर। ठीक है, जहां पर यह रास्ते का बीच का पार्ट दो बार काउंट हुआ है, तो हमें जब सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, बस बाकी सवाल में कुछ नहीं है। टोटल मैदान का क्षेत्रफल निकाला और सड़क का क्षेत्रफल निकाला, माइनस कर दिया, तो बाकी बचा हुआ या घास लगा हुआ मैदान का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।